हेलो गाइस, तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो न्यू ईयर में रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि मुझे आउट ऑफ इंडिया ट्रिप जाना है, या फिर मुझे पतला होना है, या फिर मुझे जिम जाना है, डाइट करना है, या फिर अपने क्रश को इम्प्रेस करना है। उसी लिस्ट में मैं भी हूँ जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाती है, एंड मैंने बहुत सारा रेजोल्यूशंस बनाया था, लेकिन इस कोरोना के वजह से ना कुछ भी नहीं पूरा कर पाई, कुछ भी नहीं। कर सकती थी कुछ रेजोल्यूशन, लेकिन इतनी आंख से पना कि कुछ नहीं कर पाई। मैंने सोचा न्यू ईयर में सिर्फ 2 दिन बचा है तो कुछ ना कुछ तो कर ही लूँ। मैंने देखा अपना लिस्ट कि इस लिस्ट में ऐसे क्या है जो मैं पूरा कर सकती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना अपना खुद का यूट्यूब चैनल 2020 में ही शुरू कर दूँ। तो गाइज, वेलकम टू माई फर्स्ट यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक नायका हॉल। आपको तो पता ही होगा पिंक फ्राइडे सेल हुआ था रिसेंटली, और ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मिला था, 50, 60, 80% तक डिस्काउंट मिला था। तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले लिया है। मैंने सोचा कि ये क्यों ना उसी का ही एक वीडियो बना दो। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक लिपस्टिक हॉल। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैंने कौन कौन सा शेड लिया है। मैंने जो पहला वाला जो प्रोडक्ट लिया है वो है लैक्मी 925 का एक लिक्विड लिपस्टिक। इसका जो शेड है वो है ब्लश वेलवेट। ये मेरा दूसरा वाला परचेस है। अभी जो मैंने लगाया भी है ना अपने लिप्स के ऊपर, वो भी यही वाला शेड है। मुझे बहुत ही पसंद है, एक न्यूड कलर का, ब्राउनिश न्यूड कलर का शेड है, और लिप्स के ऊपर बहुत ही सुंदर लगता है। और देख लीजिएगा, नेचुरल लाइट में दिखा रही हूँ कैसा वाला शेड है, आपको पता चल जाएगा। अगर आर्टिफिशियल लाइट में दिखाती तो कुछ अलग सा कलर दिखता, लेकिन अभी नेचुरल लाइट में कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने जो दूसरा वाला जो प्रोडक्ट लिया है वो है लॉरियल पेरिस का रोग सिग्नेचर इन द शेड 121 आई चूज़। ये बहुत ही सुंदर सा एक पिंकिश कलर का शेड है जो इस तरह के बॉटल में आता है, मतलब ये कुछ फ्रोस्टेड बॉटल्स में आता है। एंड इसका जो एप्लीकेटर है उसका वो देखिए, मतलब आपको कोई लिप पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसका जो शेड है गाइस वो कुछ ऐसा है, बहुत ही पिंकिश शेड है। मैंने जो तीसरी वाली जो प्रोडक्ट लिया है वो है नायका का एक पेंट स्टिक इन द शेड 15 स्मेल द रोज़। मैंने सोचा था कि ये स्मेल द रोज़ मतलब थोड़ा सा लाइट कलर का पिंक शेड में आएगा, डार्क शेड में आया है एंड कुछ ऐसा दिखता है। मैंने जो चौथा वाला जो शेड लिया है वो है एक मसाबा कलेक्शन का कूल गाय, जो इस तरह के पैकेजिंग में आता है। कितनी सुंदर सा पैकेजिंग है ना। एंड इसका जो शेड है ना वो है ब्राउनिश न्यूड कलर का शेड, एंड स्वैच करने पर कुछ ऐसा दिखता है। तो बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा एक न्यूड कलर का शेड है। मैंने जो लास्ट वाला जो प्रोडक्ट लिया है ना वो है, वो भी एक मसाबा कलेक्शन का ही है, वो है एक बस किल जो मैं चाहती थी, फाइनली मुझे मिल गया एक पिंक कलर का न्यूड शेड जो लगाने से कुछ ऐसा दिखता है। अगर इसका कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आया, अगर आप लेना चाहते हो, तो मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं न्यू ईयर पे, एंड गाइस बिलेटेड विशेस, हैप्पी न्यू ईयर, बाय।